अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहु। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू बच्चों। आज हम उर्दू ग्रामर में मर्सी की तारीफ पढ़ेंगे, तो आइए चलिए पढ़ते हैं मर्सी की तारीफ। मर्सी अरबी जबान के लफ्ज़ उसा से मुश्तक है, यानी उससे बना है, जिसके मायने रोना और मातम करने के हैं। उर्दू शायरी की असलाह में आम तौर से मर्सिया उस नज़्म को कहते हैं जिसमें किसी मरने वाले का तस्करा करके उसके औसाफ़ बयान किए जाएं, यानी उसके बारे में सब कुछ बयान किया जाए, उसके बारे में बताया जाए और उसकी मौत पर रंजो गम का इजहार किया जाए। मर्सिया उर्दू शायरी की एक मकबूल सिंफ रबी है। इब्तिदा में यानी शुरुआत में किसी भी शख्स की मौत पर जो गम व मातम का इजहार किया जाता था उसे मर्सिया के ज़िम्मे में रखा गया, यानी स्टार्टिंग में जो भी मौत होती थी उस पर जो भी इजहार गम किया जाता था उसे मर्सी के ज़िम्मे में ही रखा जाता था। लेकिन आगे चलकर उर्दू शायरी में ये सिंफ हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हा और शुहदाए करबला की शहादत के वाक़यात बयान करने और रंजो गम का इजहार के लिए मखसूस व मुकर्रा की गई है। इनके अलावा बाकी लोगों के मौत पर अगर नज़्म की सूरत में रंजो गम का इजहार किया जाए तो उसे शख्सी मर्सिया कहा जाता है मरने वाले की खूबियों का जिक्र करके उस पर अफसोस का इजहार करना मर्सी की बुनियादी खूबी है। तो बच्चों समझ गए, मर्सिया सिर्फ उस नज़्म को कहते हैं जिसमें हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हा और दीगर शहदाए करबला की शहादत का जिक्र हो। आई होप आप समझ गए होंगे। थैंक्स फॉर